दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है बबलू और आप इस वक्त देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है बबलू की बगिया। दोस्तों जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैंने प्रॉमिस किया था कि अंकल जी के और भी जो पौधे लगा रखे हैं उसको मैं अगले एपिसोड में कवर करूंगा, क्योंकि पिछला ब्लॉग थोड़ा लंबा ना हो जाए, लेंथी ना हो जाए, इस वजह से हमने इनके कुछ ऐसे प्लांट रह गए हैं जो पिछले ब्लॉग में मैं आपको नहीं दिखा सका। तो चलिए जो बचे हुए प्लांट्स हैं उसको मैं आज दिखाता हूँ और उसको कैसे केयर करूँ इस बारे में अंकल जी से खुद पता करता हूँ। इन्होंने जैसे अपने प्लांट्स को केयर करके रखे हुए हैं, आप भी उसी अंदाज में यदि प्लांट ले घर पे केयर करेंगे तो ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होगा और ढेरों फूल ये देगा। और ये अभी तक जितना इन्होंने प्लांट्स दिखाया मुझे सब लो कॉस्ट के हैं या विदाउट कॉस्ट के हैं। इतना ही नहीं, लेस केयर प्लांट है सारे। तो आइए चलते हैं अंकल जी के साथ और देखते हैं इसका अगला हिस्सा इस ब्लॉग के। तो अंकल जी ये किस चीज का प्लांट है? ये बोगेनविलिया का प्लांट है। इसमें जो है जी जी इसकी भी कटिंग लगाई जाती है, टहनी लगा दीजिए आप कहीं पर गमले में जी जी। और इस पर बहुत सुंदर ही कई रंग के होते हैं जी जी, लाल होता है, रेड होता है, पिंक होता है, सफेद भी होता है जी जी। ये हमने जो है लाल कलर का जो है ये लगा रखा है। इस पर देखिए ये फूल आ रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर फूल लग रहे हैं, ये देखिए कितने सुंदर है ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए दोस्तों इसमें मल्टी कलर के फूल आपको इसलिए दिख रहे हैं कि ये जब स्टार्ट होता है ना खिलना तो इस कलर में होता है, फिर धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता है। और ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको चेंज होता हुआ कलर दिख जाएगा, यहाँ सामने का हिस्सा कुछ और, बैकग्राउंड का हिस्सा कुछ और, पीछे का हिस्सा कुछ और कलर में है। तो यदि आप एक ही प्लांट से मल्टी कलर का प्लांट फूल लेना चाहते हैं बोगेनविलिया से तो ये प्लांट जरूर लगाएं। और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट है, इसको आपने रोड के किनारे लगे हुए देखे होंगे, कोई नहीं इसको सींचता है, कोई नहीं इसको पानी देता है, कोई नहीं इसकी कटिंग करती है, फिर भी ये फूल सबसे ज़्यादा देता है। तो यदि आप एक गार्डनर हैं तो आपके प्लांट में, आपके बगीचे में बोगेनविलिया का प्लांट तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए जैसे अंकल जी ने एक और रीयूज़ किया हुआ है जो टॉफ़ी के जार हैं, अंकल जी वही पुराने जार हैं, टॉफ़ी ऑफी के जार हैं, पुराने जार हैं, ये पुराने जार हैं जिसको अंकल जी ने एक पॉट में परिवर्तित कर दिए हैं, उसमें डायकॉन बेचिया ये लगा दिए हैं, जो देखिए क्या प्यारा ये हरे भरे पत्ते से भरपूर ये पौधा यहाँ पे लगा हुआ है। दोस्तों अगला ये देखिए, ये क्या चीज़ है अंकल जी, ये किस चीज़ में लगा रखे हैं आपने? ये जो है बाथरूम का जो वाटर वाला टैंक है वो है क्या? हाँ ये वो लेटिन का जो है वो जो होता है जी जी, ये खराब हो गया था तो इसको फेंकने के बजाय इसमें जो है आपने प्लांटेशन कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों एक और मुजाहरा रीयूज करने का, जिस प्लास्टिक को हम लोग दो चार रुपए में फेंक देते हैं, बेच देते हैं कबाड़ी के हाथों, उस चीज़ को इन्होंने कितना बढ़िया रीयूज किया है और गमले का खर्चा बचाया है और यूज़ किए हैं इन्होंने प्लास्टिक का जो खराब हो गया था उसको इन्होंने रीयूज किया है। बेले का प्लांट है ये, बेले का, ये बेला का प्लांट है जो जिसका अभी डोरमेंसी टाइम चल रहा है। डोरमेंसी टाइम का मतलब हुआ कि इसमें अभी फ्लावरिंग कम होगा या नहीं होगा, इसको इन्होंने सहेज के रखा है, सीजन आते ही ढेर सारे फ्लावरिंग होगा इसमें। दोस्तों ये डेंथस का प्लांट देखिए दोस्तों, कितना प्यारा सा ये लाल कलर में डेंथस का प्लांट है, देखिए देखते ही बनता है। इसके किनारे में ऐसे कटिंग कर रखा है जैसे मानो किसी ने कैंची से कट कर रखा है इनके किनारे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और ये देखिए क्या प्यारा कलर है इसका। ये सारे प्लांट जो है आप क्या नर्सरी से खरीद के लाते हैं इस टाइप का? नहीं, ये खुद लगा के नर्सरी से एक पौधा ले आया, उसकी कटिंग करके लगा दी है तो सारे हो जाते हैं। दोस्तों ये पौधा अंकल जी एक बार खरीद के लाए थे और उसी को डिवाइड करके ढेर सारे पौधा तैयार कर लिए हैं अपने छत के ऊपर, अपने गमले में, अपने गार्डन में। तो आप भी यदि डेंथस का एक पौधा लेकर आते हैं नर्सरी से तो उससे आप अनेक पौधा घर पे बैठे तैयार कर सकते हैं, ऐसे प्यारे प्यारे फूल आप ले सकते हैं उससे। अगला पौधा ये गुड़हल का पौधा है, गुड़हल का पौधा है दोस्तों, ये अभी लगा रखा है, इसको दूसरी जगह प्लांट कर देंगे जी जी, इसमें जड़ें निकल आएंगी जी जी। ये देखिए दोस्तों पेंट के डब्बे का सही इस्तेमाल करना कोई अंकल जी से सीखे। ये डब्बा वही है जिसको इन्होंने पेंट करने के मकसद से घर पे लाए थे, पेंट कर लिए, खाली हो गया, तो इस डब्बे को इन्होंने कबाड़ी को ना बेच के इसको गमले में तब्दील कर दिए। देखिए कटिंग, ये सारे कटिंग से तैयार किए हुए पौधे दिख रहे हैं मुझे, जो इन्होंने कटिंग से है, ये सब ये सारे कटिंग से हैं, ये ऐसे पौधे इन्होंने तैयार कर रखे हैं, इनसे ढेर सारे पौधा इन्होंने बना लिए हैं जो अगले बार गमले में इन्होंने शिफ्ट कर देना है और सीजन आने पे इसमें ढेर सारे फूल आएगा। तो ये देखिए ये सारे रीयूज किए हुए डब्बे हैं जो अंकल जी ने रीयूज करके गमला बनाए हैं।
एक और देखिए ये शानदार वनस्पति घी के डिब्बे में ये प्लांट जो है केला वैरायटी का लगा रखा है। जी 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 अभी छोटा है ये। जी 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 अभी ग्रो हो रहा है, बाद में बड़ा हो जाएगा, देखने में बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए दोस्तों ये कितना प्यारा लुक दे रहा है, और अंकल जी ने इसको लगा रखा है एक घी के डब्बे में, मान के चलो घी के डब्बे में, इनको घी तो इस्तेमाल कर लिया, जब डब्बा टूट गया अब किसी काम का नहीं रहा, तो जो चीज किसी काम का नहीं होता है वो गार्डनर के लिए बहुत काम का होता है। मैं बताऊं आपको, यदि आप एक सच्चा गार्डनर हो तो आपके घर में कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगा, सभी चीजों का अच्छा इस्तेमाल आप कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और उससे बढ़िया रिजल्ट ले सकते हैं। जिसका एक और एग्जांपल देखिए अंकल जी ने, गुड़हल का पौधा है, गुड़हल का पौधा लगा रखे हैं, जो देखिए कल वल को खिला था अभी मुरझा सा गया है, लेकिन पौधा बहुत बढ़िया है, जो इन्होंने एक और प्लास्टिक के डब्बे को कट करके बनाए हैं। ये देखिए दोस्तों एक और घी के डब्बे को इन्होंने अंकल जी ने, ये सारे बीज से तैयार किए हुए अंकल जी है, ये गेंदे का बेबी प्लांट, गेंदे के बीज डाल रखे हैं, अभी इसमें बन रहे हैं पौधे, बनेंगे इनको अगली जगह दूसरी जगह प्लांट कर दिया जाएगा। अच्छा ये देखिए ये गेंदे का प्लांट अंकल जी घर के ऊपर भी छत पे ही तैयार कर रहे हैं, जो इन्होंने बीज बो रखे थे उससे ये तैयार हुआ प्लांट्स है। तो आप भी यदि गेंदे का कोई किसी भी कलर का प्लांट बगीचे से लाते हैं तो उसको फूल खिलने के बाद सुखा के अपने पास सुरक्षित रख लें, जब सीजन आएगा अक्टूबर नवंबर का टाइम आएगा तो उसको आप बीज को किसी मिट्टी में किसी कहीं पे छींट दें या लगा दें, तो उससे ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे, आपका जो गार्डन है गेंदे के फूल से लकदक हो जाएगा। तो ये क्या श्यामा, ये श्यामा तुलसी है। जी जी ये भी जो है डिब्बे में टूटे डिब्बे में लगा रखा है। ये देखिए दोस्तों ये श्यामा तुलसी को अंकल जी ने एक डब्बे को कट करके उसको रीयूज करके प्लास्टिक के डब्बे को कट करके, ये देखिए क्या प्यारा सा श्यामा तुलसी इन्होंने लगा रखे हैं। सर्दी के मौसम होने के बाद भी ये पौधा इतना प्यारा है, देखिए कि पत्तों से लकदक है, और ये वही तुलसी है जो हम लोग अक्सर आयुर्वेद में कहते हैं कि तुलसी गुणों का खान होता है। तो इसके पत्ते यदि हम उबाल के पीते हैं तो सर्दियों के मौसम में सर्दी जुकाम से आप बचे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने कामों में व्यस्त रहेंगे। तो दोस्तों अगला प्लांट देखिए, फिर से ये छोटा सा एक प्लांट है गुलदावरी, ये बटन गुलदावरी है, जो छोटे छोटे प्लांट देखिए, छोटे छोटे फूल आते हैं लेकिन ढेर सारे फूल आते हैं, ये बर्ड्स देख लो आप, गमला का साइज देखिए, जरा सा गमला है, जो नर्सरी में हम लोग पौधा खरीद के लाते हैं उसी को इन्होंने रीयूज किए हैं, और ये देखिए क्या प्यारा फूल है ये। एक और देखिए रीयूज का और एक एग्जांपल, जो अंकल जी ने डब्बे को कट करके लगा रखे हैं, देखिए फूल भी इसमें आ रहा है और डब्बे का, ये देखिए जगह जगह होल इन्होंने कर रखा है ताकि ओवर वाटरिंग ना हो इस प्लांट के लिए। अब ये देखिए एक जरा सा तसला प्लास्टिक का जो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, अब जब किसी काम के नहीं रहा तो बागवानी के बहुत काम का हो जाता है, जो चीज़ किसी काम का नहीं रहता घर में इस्तेमाल के बाद वो बागवानी के मकसद से बहुत काम का हो जाता है। ये देखिए किचन गार्डन का और एक एग्जांपल, धनिया अंकल जी ने बो रखे हैं, और धनिया ने अंकल जी को निराश नहीं किया है, बहुत प्यारा ये धनिया धीरे धीरे उग रहा है, उग गया कुछ तो उग गया, ये देखिए अभी उग भी रहे हैं, तो धीरे धीरे बहुत बढ़िया ये रिजल्ट देगा। अंकल जी इसको क्या आपने बीज से तैयार किए हैं? हाँ बीज से तैयार किए हैं, बीज बोया था इसमें। तो अंकल जी ने जो मसाले के लिए बीज घर में लाए थे उसी मसाले के बीज को यहाँ पे डाल दिए हैं, और उसी से देखिए क्या प्यारा धनिया तैयार हो रहा है। तो दोस्तों ये था छत के ऊपर एक छोटा सा बट प्यारा सा गार्डन जो अंकल जी ने लगा रखे हैं, वो यहाँ पे ज़्यादातर वही प्लांट हैं जो धूप में भी सरवाइव करते हैं, और यहाँ का एक एक प्लांट मैंने आपको दिखा दिया, और कुछ ऐसा प्यारा सा हिस्सा इस पहाड़ का रह गया, इस बगीचे का रह गया, जो सबसे बेहतरीन हिस्सा होगा वो मैंने अभी तक आपको नहीं दिखाया है। तो चलते हैं अंकल जी के साथ वो हिस्सा भी दिखाने के लिए जो बरामदे पे इन्होंने लगा रखे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं आप नीचे की ओर। अंकल जी ये अब मैं आपके गार्डन का अगले हिस्से में आ गया हूँ, और यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये बहुत प्यारा सा फूल खिला हुआ है, ये क्या डेंथस का प्लांट है? डेंथस प्लांट है, डेंथस प्लांट है दोस्तों, देखो ये कितना प्यारा रंग है, और इसके बॉर्डर भी डिजाइन किया हुआ है और सफेद सफेद से लगे हुए हैं। तो ये डेंथस प्लांट है दोस्तों जो इन्होंने आउटडोर में लगा रखे हैं। उसके साथ ये देखिए बैगन वेलिया का प्लांट इन्होंने लगा रखे हैं, जिसका कलर देखिए अब कितना सुंदर कलर है। इसमें दो तरीके के फूल आए हैं, ये लाल है, ये गुलाबी है,
दो तरीके के फूल है इसमें। तो अंकल जी, ये दोनों क्या अलग अलग वेरायटी है या एक ही प्लांट से आप दोनों तरह का फूल ले रहे हैं? ये अलग अलग वेरायटी है। एक अलग अलग वेरायटी है? नहीं, ये एक ही प्लांट में दो तरीके के फूल है। देखिए, अच्छा अच्छा, प्लांट एक ही है, एक ही प्लांट है, इसमें दो तरीके के फूल है। अच्छा, ये एक ही प्लांट से दोस्तों अलग अलग तरीके के फूल ले रहे हैं। देखिए, इसका कलर कुछ और है और इनका कलर कुछ और है। भाई वाह, बहुत खूब। अंकल जी, मुझे लगता है आप दिन में कम से कम 2-3 घंटे तो अपने गार्डनिंग के लिए देते ही होंगे। हाँ, 2-3 घंटे देते ही हैं डेली। हाँ, 2-3 घंटे अपने व्यस्त समय से निकाल के ये देते हैं अपने गार्डन में। और उसी का नतीजा है कि ये देखिए प्यारा सा गार्डन इन्होंने यहाँ पे। ये गुड़हल है, गुड़हल के ही एक प्रजाति है दोस्तों, मिर्ची गुड़हल बोलते हैं इसको। छोटे छोटे फूल आते हैं इसमें, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। अभी तो गुड़हल का ऑफ सीजन चल रहा है अंकल जी, यदि आप मेरी माने तो यहाँ से कट कर दें, क्योंकि अब इसमें फूल नहीं या कम आएगा। नहीं आएंगे। और अभी यदि आप इसको कट करते हैं तो सीजन आते आते ये पत्ते फूल से भर जाएगा, लकदक हो जाएगा। तो अभी यदि इसको कट कर देते तो ये परफेक्ट समय है नवंबर दिसंबर में इसको ऑफ सीजन में कट करने का। यदि पौधा ये लंबा रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा, ज़्यादा घना रहेगा, तो इसको केयर ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। और ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ही क्या है, जब कम केयर में ये बढ़िया से प्लांट बन जाएगा। तो ये गोल के शेप में आ जाएगा यदि आप इसको कट करते हैं। इसको कट कर देंगे तो अगला प्लांट है दोस्तों, ये बेल का प्लांट है दोस्तों। ये बेल का प्लांट वही है जो आम के आम और गुठली के दाम वाली कहावत को सच करता है, क्योंकि इसको हम लोग पूजा के मकसद से इसके पत्ते का इस्तेमाल करते हैं और ये फल भी देता है। तो फल और पत्ता दोनों का ही इसका सही ढंग से इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम इस प्लांट को आम के आम और गुठली के दाम वाला प्लांट कहते हैं दोस्तों। ये देखिए दूसरा, और कुछ फूल के प्लांट, कुछ शोभा वाले प्लांट है। देखिए कितना प्यारा है, कितना प्यारा कलर है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं अंकल जी। हाँ, नए नए पत्ते निकल रहे हैं। इसमें फूल भी आता है? नहीं, फूल नहीं आता है। ये फूल नहीं आता, केवल शो वाला पौधा है। और ये देखिए दोस्तों, ये डेंथस को इन्होंने आउट वॉल में लगा रखे हैं हैंगिंग के तौर पर। कितना प्यारा कलर है इसका, और इसका कलर और पहले वाले जो डेंथस हैं उसके सबके कलर अलग अलग है। ये सारे पौधे के अंकल जी आपने खरीद के लगाए हैं? ये कुछ पौधे खरीद के लाए थे, उनसे कटिंग करके ये दोनों में लगा रखी है। अच्छा दोस्तों, तो ये देखिए यहाँ पे दोनों ही चीज का रीयूज किया गया है। ये पन्नी पोली बैग जो हम नर्सरी से पौधे खरीद के लाते हैं, तो जिस पन्नी में होता है उसको इन्होंने फाड़ के नहीं फेंका है, उस पन्नी का भी रीयूज किए हैं। और एक ही पौधे की कटिंग इन्होंने अलग अलग जगह पे लगा के इसका इस्तेमाल कर लिए हैं। तो देखिए कितना प्यारा सा ये लुक है। देखिए यहाँ पे फिर ये हैंगिंग में आपने क्या ये लगा रखे हैं, रेन लिली। हाँ, रेन लिली का प्लांट है दोस्तों। हाँ, अभी सीजन नहीं है, अभी सीजन नहीं है ये। इसका सीजन बरसात में आता है मेरे ख्याल से, बरसात में इसमें बहुत प्यारे से फूल आते हैं। हाँ, और लगदक रहते हैं ये फूल। अभी तब तक ये घास प्रजाति का पौधा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये घास नहीं, ये है रेन लिली। ये देखिए इधर में कुछ ऐसे हार्डी प्लांट, ये रेन लिली। ये देखिए, ये सब अलग अलग प्रजाति के फूल हैं। इसमें रेड फूल आता है, ये बसंत कलेंचू बोलते हैं शायद इसको ना। रेड बड़ा अच्छा सुंदर फूल लगता है इसमें, कलेंचू का पौधा है दोस्तों। इसमें जो गर्मी में इसमें फूल आता है बहुत बढ़िया सा। ये देखिए यहाँ पे एक स्नेक प्लांट का बेबी प्लांट लगा हुआ है, ये भी एक शो वाले पत्तेदार पौधे हैं। चलिए अंकल जी के अगले हिस्से को देखते हैं। ये क्या गुलाब की कटिंग लगा रखे हैं? गुलाब की कटिंग है ये। देखिए दोस्तों, गुलाब की कटिंग से तैयार किया हुआ पौधा जो इन्होंने एक जरा सी कटिंग यहाँ से भी लगा दिए हैं, उससे कितने सारे कल्ले निकलने लग गए हैं। और ऊपर से इन्होंने कट इसलिए मार दिए हैं कि अभी यदि इसको कट मार देंगे तो अगले महीने भर के अंदर इसमें ढेर सारे बर्ड्स बनेंगे और ढेर सारे फूल खिल जाएंगे। और ये इसका शेप भी कितना बढ़िया हो गया है। देखिए कटिंग के चलते इसका शेप भी बढ़िया हो जाएगा, गोलाई में आ जाएगा ये पूरा शेप, तो पौधा भी देखने में अच्छा लगेगा और फूल तो आएगा ही आएगा। ऊपर चले वहाँ दोस्तों, अगला प्लांट अंकल जी कौन सा प्लांट है? ये पाम प्रजाति का पौधा है। देखिए कितना प्यारा लुक, बहुत सुंदर लगता है, शोभाकार पौधा है ये। ये देखिए देखिए, इसमें फूल तो आते नहीं होंगे ना? फूल नहीं आते हैं, ये शो वाले पत्ते इसके बहुत सुंदर लगते हैं। जी जी, गोलाकार जो है, कटे हुए जो है, जी जी, बहुत सुंदर पौधे लगते हैं। देखिए बीच में आ रहा छोटा सा हिस्सा, जी जी जी, फैल कर बाद में ऐसे ही पेड़ पौधे पत्ते बन जाएंगे। जी 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 जी, और ये बढ़ता रहता है ऐसे ही। जी जी, तो ये दोस्तों, ये पाम प्रजाति के अम्ब्रेला पाम कहते हैं इसको। ये अम्ब्रेला पाम है, देखिए अम्ब्रेला पाम इसलिए कहते हैं कि इसका हर एक पत्ता अम्ब्रेला के डिजाइन का होता है। तो ये देखिए दोस्तों, अम्ब्रेला पाम
जो हरे भरे रहते हैं 12 महीने अपने गार्डन में, और ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी प्लांट होता है, जल्दी ये सूखता नहीं है और कम पानी में कम केयर में ये बढ़िया प्लांट होता है। ये देखिए जैसे इनके नर्सरी इनके घर पे ये लगा हुआ है, ये एक गमले में जो है ये गुलदाउदी और ये बोगेनविलिया दोनों लगा रखे हैं। ये बोगेनविलिया देखिए रेड कलर की है ये, जी जी, और वो सुंदर फूल लग रहे हैं इसमें, और ये गुलदाउदी पर भी देखिए ये पीले रंग के फूल आ रहे हैं, अभी खिले नहीं हैं, छोटे छोटे फूल आ रहे हैं इसमें। तो ये देखिए दोस्तों, अंकल जी ने दो अलग अलग वेराइटी के पौधे एक गमले में लगा रखे हैं। एक ऐसा पौधा जिसको पानी कम चाहिए होगा, बोगेनविलिया, उसको पानी कम चाहिए होगा, और दूसरा प्लांट है ये गुलदावरी का जो पीले रंग में है। देखिए दुनिया भर के ये बर्ड्स से भरे हुए हैं, जहाँ भी आप नज़र डालेंगे बर्ड्स ही बर्ड्स दिखेगा। तो ये ऐसा प्लांट है जिसकी जिसको हमेशा नमी चाहिए होगा, ये ड्राई में बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। इस नमी वाले पौधे को इन्होंने ड्राई वाले पौधे के साथ भी लगा के इतना बढ़िया रिजल्ट ले रहे हैं। दोनों ही पौधा देखिए फूल से भरे हुए, देखिए जैसे बोगेनविलिया में फूल है ठीक वैसे ही बर्ड्स बन के तैयार हो गया है। ये देखिए गुलदावरी में भी बर्ड्स ही बर्ड्स है। अगला ये कौन सा प्लांट है अंकल जी, इसको कौन सा ये सफेद फूल जो आता है वही है ना? सफेद फूल आता है, बड़ा सुंदर लगता है। ये चमेली का पौधा है दोस्तों, जिसमें गर्मी के सीजन में मेनली फूल आता है, और गर्मी के सीजन में पूरे पौधे में फूल ही फूल नजर आएंगे, बड़े बड़े फूल आएंगे। इसमें खुशबू तो वैसे कम होता है लेकिन देखने में ये बहुत प्यारा होता है। अगला देखिए ये पौधा है, अगला ये पौधा है दोस्तों अम्ब्रेला पाम का। अम्ब्रेला पाम इसको बोलते हैं, ये देखिए अम्ब्रेला की तरह इसके छतरी की तरह इसका डिजाइन होता है, पत्ता होता है। इसमें फूल तो नहीं आते ना? फूल नहीं आते इसमें, फूल नहीं आते हैं, लेकिन ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। और ये देखिए एक बोनसाई बना रखे इन्होंने, बोनसाई का एग्जांपल देखिए, ये आपने बनाया अपने आप बन गया ऐसा? अपने आप बना है ये, अपने आप बना है। अरे भाई वाह, अपने आप बना है ये। इसको काट के यहाँ से लगा देंगे नया पौधा तैयार हो जाएगा। अंकल जी इसको काटिएगा नहीं, बोनसाई इसी को बोलते हैं। बोनसाई वही प्लांट्स होते हैं जो नर्सरी में कम से कम 1000 से 1200 का मिलता है एक प्लांट। यहाँ पे देख रहे हैं अपने आप ये बोनसाई बनते हुए जा रहा है, और कितना प्यारा लुक दे रहा है। जितना प्यारा लुक ये हरे भरे प्लांट्स दे रहे हैं, उससे भी प्यारा लुक ये बोनसाई दे रहा है। आइए देखते हैं रेलिंग के ऊपर का अगला पौधा, मोरपंखी। जो मोरपंखी है दोस्तों, ये मोरपंखी का प्लांट है। देखिए कितना प्यारा लुक है इसका, हरे भरे पौधे, कम केयर में हार्डी प्लांट पौधे। ये देखिए मोरपंखी का है, इसमें तो फूल नहीं आता, केवल पत्ते ही होता है, और फूल की जरूरत ही क्या है इसको, इस प्लांट को इतना सुंदर इसका प्लांट है, इतना सुंदर लुक है, इसको फूल की जरूरत ही नहीं है। एक और देखिए पत्तेदार, पत्तेदार है ये, पत्तेदार है ये भी, मल्टी कलर के पत्ते आते हैं इससे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अंकल जी ने सहेज के रखा है। ये देखिए एक और, ये केले की प्रजाति वाले, केले की प्रजाति वाले, इसमें भी बर्ड्स नीचे से बनती जाती हैं, नए प्लांट बन जाते हैं। देखिए दो नए प्लांट बन रहे हैं इसमें से, इनको ट्रांसप्लांट करके भी दूसरी जगह लगाया जा सकता है। जी जी, तो दोस्तों ये देखिए कितना सुंदर प्लांट है, ये एक बार यदि आप ले आते हैं तो इससे एक पौधे से ढेर सारे बेबी प्लांट तैयार हो जाते हैं अपने आप बांटते थक जाओगे, इतना प्लांट ये तैयार कर देता है एक ही प्लांट से। अगला फिर इसी के अलग वैरायटी का है, वही उसी प्रजाति, डेकन बेसिया बोलते हैं इसको, डेकन बेसिया के अलग प्रजाति का ये वाला पत्ता देखिए, इसमें ज्यादा सफेद हिस्सा है, इसका अलग डिजाइन है, इसका अलग डिजाइन है। ये देखिए दोस्तों जड़ से ऊपर तक कितना प्यारा ये लुक दे रहा है, देखिए ऊपर से देखिए ये नए पत्ते भी आ रहे हैं इसमें, नए पत्ते आ रहे हैं, वाह बहुत खूब, बहुत खूब अंकल जी। ये एक कनेर की प्रजाति है अंकल जी, कनेर प्रजाति का पौधा है ये, वाह भाई वाह, इसका फूल बहुत दिनों तक रहता है, कई महीने तक रहता है इसका फूल। अच्छा, इसमें खास बात ये है, जी जी, बहुत दिनों तक ये फूल जो है रहता है, फिर नए फूल आते रहते हैं। अच्छा, रहते हैं हमेशा, ओहो, तो इसका सीजन खत्म होने जा रहा है, बहुत दिनों से खिला हुआ है, इसको 3-4 महीने हो गए खिला हुआ है ये। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। ये भी गमले में लगाया है, देखिए इसको जमीन के अंदर भी लोग लगाते हैं। जी जी जी, बड़े सुंदर पौधे फूल आते हैं इसमें। जी जी दोस्तों, ये कनेर प्रजाति का एक फूल है जिसे गमले में अंकल जी ने लगा रखे है। देखिए क्या प्यारा प्यारा फूल, प्यारा कलर का फूल इसमें आ रखा है। यूं तो इसका सीजन ऑफ होते जा रहा है, लेकिन अभी भी ये बहुत प्यारा फूल दे रहा है। और इतना ही नहीं, एक गमले में इन्होंने एक चांदनी का पौधा भी लगा रखा है, जो भी बर्ड्स देखिए आ रहे हैं, जबकि इसका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में भी बढ़िया बढ़िया
बर्ड्स इसमें आ रहे हैं। तो अंकल जी कुछ और पौधे आप लगा रखे हैं नीचे की तरफ, आइए उसको देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये नीचे रेलिंग से ठीक नीचे रखा हुआ है डिवाइस बैकबोन बोलते हैं, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसे आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। इसके पत्ते देखिए मल्टी कलर है, इसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया हार्डी प्लांट है, जिसे आप कहीं भी लगा लो, चाहे धूप में या छत में या घर पे, सभी जगह सर्वाइव करेगा। और ऑक्सीजन की लेवल मेंटेन करने में यदि किसी पौधे का हाथ है तो वो इस प्लांट का भी हाथ है, बहुत बढ़िया। तो इतना जो गार्डनिंग का आपने शौक पाल रखा है, तो कहीं से आपने इसके बारे में पढ़ा है या किसी से सीखा है, क्या है राज, क्या है इतने बढ़िया गार्डनिंग का? जी जी तो गार्डनिंग करते करते आपको किस प्लांट को कैसे हम केयर करें, क्या किसको कितना पानी दें, वो आप देख देख के समझ जाते हैं और फिर उसी हिसाब से इसको केयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो किस पौधे में कीड़े लग जाते हैं, किस में कम पानी डालना है, किसको आउटडोर में रखना है, किसको इंडोर में रखते हैं, ये सब आप देख के ही सीखे हैं। तो दोस्तों एक और प्लांट देखिए अंकल जी, क्या है ये? शो वाला पौधा है, बड़ा सुंदर लगता है। अभी तो ये छोटा है। जी जी, हो जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। अच्छा, ये केवल शो वाला पौधा है, इसमें फूल नहीं आते हैं? फूल नहीं आता है। अच्छा जी, और शो के लिए देखिए दोस्तों कितना नीचे से बिल्कुल समेट के अंकल जी ने सहेज के बांध रखे हैं, और ऊपर वाला लुक कितना प्यारा सा एक गोलाई में दे रखे हैं। और ये पौधा देखिए, इसके नीचे जो है दूसरा पौधा और लगा रखा है। जी जी, उसमें फूल भी आते हैं, इसमें लाल कलर का फूल आता है। हाँ हाँ, ये वही पौधा है, लाल कलर के, इसमें बहुत प्यारा सा फूल आता है, लंबे लंबे से, बहुत प्यारा लगता है। ये शो वाला पौधा है। जी जी, कटिंग से ग्रोथ कर रहा है। जी जी, रहेगा तो भी बड़ा सुंदर लगता है। ओके, आइए दोस्तों, ये आप कुछ आखिरी प्लांट जो अंकल जी ने एक ही गमले में, ये शो वाले पौधे हैं अंकल जी? सब शो वाले हैं, सारे शो वाले हैं। शो वाले इसलिए मैं देख के ही पता चल गया मुझे, क्योंकि इसका कलर देखिए, एक ही पत्ते में मल्टी कलर है, और इसके किनारे में कैसे कटिंग किया हुआ है, तो बहुत ही बढ़िया। बहुत ही अंकल जी आपका गार्डन में देख के धन्य हो गया, बहुत बढ़िया। दो तीन हैंगिंग प्लांट भी हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये हैंगिंग प्लांट है, ये हैंग ये सर्दियों के फूल वाले ही हैं। सर्दियों के फूल वाले हैं जो हैंगिंग बास्केट में अंकल जी ने लगा रखे हैं। बहुत खूब अंकल जी, बहुत बढ़िया। तो अंकल जी आपने अपना हर एक गार्डन के सीक्रेट हमारे दर्शकों से शेयर किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये दो तीन ये एपिसोड देख के हमारे दर्शक घर बैठ के बहुत ही उपकृत हुए होंगे, उनको आपके टिप्स का बहुत फायदा होगा। और अंत में मैं जानना चाहूँगा कि यदि इस प्लांट को मैं अपने घर पे ले जाता हूँ और लगाता हूँ, तो कीड़े मकोड़े का अटैक बीच बीच में हो जाता है, ऐसा मैंने कई बार देखा है, तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए इन प्लांट को? कीड़े मकोड़े से बचने के लिए इसमें हल्दी के घोल का अगर छिड़काव कर देते हैं जी जी, तो उस पर कीड़े नहीं लगते हैं। हल्दी का घोल हम मिट्टी में लगा डाल दें, इसके पत्तों को छिड़क दें। अच्छा, पत्तों पे भी छिड़क सकते हैं, जो है वो इसमें नहीं आते, अगर होते हैं तो भाग जाते हैं। अच्छा जी जी, तो नीम स्प्रे या कोई केमिकल युक्त कीटनाशक, नीम का तेल या नीम मैन्योर आती है जी जी, उसको डालने से जो है कीड़े मकोड़े अपने आप नष्ट हो जाते हैं। नीम की खली जो है बखेर देने से जो है कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं, और ये पोषक तत्व भी देता है नीम जी जी। कोई केमिकल हम इसमें यूज नहीं करते हैं। तो ये देखिए, बगैर केमिकल को यूज किए हुए अंकल जी ने कितना प्यारा सा गार्डन बना रखे हैं। और इसमें यदि दोस्तों महीने में दो बार, यानी कि 15 दिन पे आप एक बार नीम ऑयल का एक ढक्कन में नीम ऑयल लें और 1 लीटर पानी मिला दें, उसको यदि आप स्प्रे करें, तो जो आपके प्लांट में कीड़े या किसी तरह के मिलीबग लगता है तो बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए यदि आप गार्डनिंग करते हैं, तो नीम ऑयल का एक छोटा सा बोतल लेके आएँ, जो इस प्लांट को हेल्दी बनाए रखेगा 15 दिन में छिड़काव करने पर, और कीड़े मकोड़े भी इसमें नहीं आएगा। तो अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिए और हमारे दर्शकों को ये आप जानकारी शेयर किए कि किसी भी प्लांट को हम किस तरीके से केयर करें, अपने छत के ऊपर या अपने घर के अंदर इंडोर में या आउटडोर में, किसको ज़्यादा पानी दें, किसको कम पानी दें, किसको कीड़े से बचाने के लिए क्या करें, इस सब के लिए अंकल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये था अंकल जी के बगिया का शहर, जो हमने एक एक प्लांट को बड़े खूबी से दिखाया है, बड़े बारीकी से दिखाया है, और इनकी एक्सपीरियंस का
शेयर मैंने आप लोगों से भी किया कि आपके पास यदि प्लांट है तो उसको आप कैसे केयर करेंगे। तो दोस्तों आपका प्यार लुटाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने पिछले ब्लॉग में हमें खूब सारे प्यार दिए हैं, खूब सारे अच्छे अच्छे कमेंट दिए हैं, ऐसे देते रहिए। और आप यदि चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी एक अलग अंदाज में आपको दिखूँगा। तो आपको इस ब्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों व्यूज़ के हिसाब से सब्सक्रिप्शन कम आता है, जिससे मुझे थोड़ा निराशा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि इस बगीचे को दिखा के या मेरे किसी भी काम को दिखाने से आपको एक पैसे का भी या जरा सा भी खुशी मिलता है या फायदा मिलता है, तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।